नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, हम लोगों को अपने वेबसाइट के लिए एक थीम ढूंढना है। सो थीम ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों को अपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर है आपके बिजनेस के, या जो भी आप एक ऐसा वेबसाइट है जिसको आप पसंद करते हो और आपको ऐसा लगता है कि वर्डप्रेस पे बना होगा, किसी और सीएमएस पे भी वो बना हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट आप उससे रिलेट कर सके, आप देख सके कि वो क्या स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से उनका नेविगेशन है, क्या वो क्लियर है, क्या वो ऑथेंटिक लग रहा है, क्या आपको लग रहा है उसको देख के, और आपको उनके स्टैट्स को आप देख के कि उनकी उन्होंने कितना सेल किया होगा, ये सब डिटेल अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है और वो कितना फेमस है, उनका स्कोर वगैरह आप एसईओ स्कोर वगैरह आप चेक करिए, और इन सब पैरामीटर्स पे उसको जज करने के बाद आप एक आइडल थीम देखिए। सो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आप उनके थीम को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे थीम डिटेक्टर्स हैं जिनमें आपको एक वेबसाइट डालिए और उनका थीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्या थीम्स यूज़ करते हैं और साथ में उनमें क्या किस टाइप के प्लगइन्स और एक्सटेंशंस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम डाला है groundhog.io। तो यहाँ पे देखिए उनका डिटेल्स दिखा रहे हैं कि वो एस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड हम लोग थीम कर भी सकते हैं, साथ ही साथ जो उनके थीम प्रोवाइडर है और क्या क्या, आप देखिए 14 प्लगइन्स वो यूज़ कर रहे हैं, एफिलिएट WP GDPR कुकी ग्राउंड हॉग प्रूफ एलिमेंट और पेज बिल्डर पेमेंट गेटवे वगैरह है। तो ये सारे जो ब्लॉक्स है वो अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप कोई एक वेबसाइट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपको इस टाइप का एक वेबसाइट बनाना है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि वो थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उसी हिसाब से आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए थीम ढूंढना, एक अच्छा थीम ढूंढ लेना, अराउंड आपका 70-80% काम आपका वहीं पे हो जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक्स, वो फीचर्स, वो फॉन्ट्स, वो लोगों का प्लेसमेंट, वो फोटोज, उसका जो पूरा UX का जो डिज़ाइन है, उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो आपको ऑलरेडी अच्छा लग चुका है, आपको लगता है कि आपके टारगेट ऑडियंस को वो पसंद आएगा, तो आपको उसमें बहुत कम चेंजेस करने पड़ेंगे, इमेजेस चेंज करना पड़ेगा, उसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़रूर करने पड़ेंगे, पर साथ ही साथ आपकी वेबसाइट उतनी ही जल्दी रेडी हो जाएगी। वर्डप्रेस थीम ढूंढने का एक और बहुत अच्छा सोर्स ये है कि आप वर्डप्रेस के अंदर ही थीम्स ढूंढें। अभी यहाँ पे अगर मैं अपीयरेंस में क्लिक करके मैंने थीम्स में क्लिक किया तो ऐड न्यू थीम पे मुझे देखिए और भी ऐसे बहुत सारे टाइप के थीम्स मिलेंगे। आपको इसमें से कुछ एक पसंद आता है तो आप इसमें से पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये थीम्स फ्री हैं, वर्डप्रेस के अंदर हैं, हमेशा ये कंपैटिबल रहेंगे, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड है ये वर्डप्रेस के जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है उसके साथ मैच करके लिखे जाते हैं और तभी ये यहाँ पे फीचर हो पाते हैं। तो आप यहाँ से भी थीम यूज़ कर सकते हैं। एक मार्केट प्लेस है थीम फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी थीम्स मिलेंगे। सो इन थीम्स को बनाता है एक ब्रांड है, नाम है एनवाटो, ये उनका मार्केट प्लेस है, जो आपको बेस्ट थीम्स मिलेंगे मार्केट में, जो यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहीं से आपको लिंक मिलेगा। चूंकि हम इस एग्जांपल के लिए, इस कोर्स के लिए हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम लोगों को ई कॉमर्स थीम चाहिए, बट एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे हर तरह के थीम्स, चाहे वो HTML के लिए हो, आपका क्या पर्पज़ है, मार्केटिंग है, आप ईमेल टेम्पलेट्स बनाना है, लैंडिंग पेजेस बनाना है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। कोड के अलावा वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, जो भी आपको अपने वेबसाइट के लिए चाहिए या ग्राफिक्स चाहिए आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। चलिए ये सब चीज़ें तो आप एक्सप्लोर कर लेंगे, आई एम श्योर मैं आपको ई कॉमर्स में वू कॉमर्स बेसिकली वो ई कॉमर्स वाला हमारा प्लगइन है जो वर्डप्रेस के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। वू कॉमर्स यही वो प्लगइन है, अगर आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाते हैं तो वू कॉमर्स आपके वेबसाइट में इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। सो मैं क्लिक करता हूँ वू कॉमर्स पे। हम लोग अपने कोर्स के लिए एक नट्स का, एक ड्राई फ्रूट्स का, कुछ स्वीट ड्रिंक्स का, हम लोग उसका वेबसाइट बनाना चाहते हैं।
तो उसके वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग कुछ एक्सपीरियंस लेंगे कि कुछ एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स कैसे दिखते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे कि हम लोगों को अपना टेम्पलेट कैसा चाहिए और किस तरह से हम लोग उसको डिज़ाइन करें। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पे WooCommerce में क्लिक किया तो यहाँ पे बेस्ट सेलर्स दिख रहे हैं $49 के अंदर, जो उनके वेबसाइट से वो यहाँ पे दिख रहे हैं, और कुछ और भी ऐसे बहुत सारे हम लोगों को ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, मोस्टली आपका वीकली बेस्ट सेलर्स में जो आपको दिख रहे हैं, मोस्टली आपका आपको अच्छे अच्छे डेमोज यहाँ पे मिल जाएंगे आपके वेबसाइट के लिए। जैसे फ्लैटसम है, ये काफ़ी फेमस थीम प्रोवाइडर है और ये काफ़ी अच्छा थीम है $59 में। मैं आपको एक लाइव प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। डेमोस में क्लिक करता हूँ, हम लोगों को किस टाइप का यहाँ पे डेमो देखना है, हम लोग एक ऑप्शन यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को ये डेमो अच्छा लगा है, तो इस तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप देख ही रहे हैं, फीचर्स वगैरह और भी है। शॉप पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये सब वो फीचर्स हैं जो शॉप पे आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे सर्च, आप लाइव सर्च कर सकते हैं बिना एंटर आपको क्लिक किया, आप टाइप करते रहेंगे उतने देर में ही वहाँ पे और आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। साथ ही साथ एक पॉपअप विंडो है प्रोडक्ट का क्विक व्यू के लिए, कुछ और भी ऑप्शंस है। ऐड टू विश लिस्ट के लिए एक अलग से यहाँ पे बटन है, सेल के बबल्स हैं आप जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत तरह के ऐसे ऐसे फीचर्स है जो इस थीम में आपको प्रोवाइड करता है फ्लैटसम। और भी तरह के ऐसे मल्टीपर्पज़ जो थीम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं जब आपको आपको बहुत सारे ऐसे साइट्स क्रिएट करना है और आपको मालूम है कि बहुत सारे फीचर्स को आप किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आप शुरू में स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल थीम चाहते हैं, तो बेटर है आप अपना नीच बेस्ड थीम ही बाई करिए। जब मैं नीच बेस्ड थीम बोल रहा हूँ, उससे मेरा ये मतलब है कि जो थीम एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट को रिलेट करता है, एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट के जैसा दिखता है, जैसा आपको चाहिए, तो आप उसको बाय करिए। उससे आपका जो पूरा जो आपका साइट का स्ट्रक्चर है, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो बना रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोगों को एक मार्केट प्लेस बनाना है टेक्निकल प्रोडक्ट्स का, तो हम लोग मार्ट फ्यूरी का थीम यूज़ करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मार्केट प्लेस का थीम है ये कैसा लगता है। राइट, देखिए ये मार्केट प्लेस का थीम है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, प्रोडक्ट्स को नाम चेंज करेंगे, अपने फोटोज वगैरह चेंज करेंगे, तो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। सो थीम, जैसा मैंने आपको बताया, थीम से आप 70-80% आपका काम तब खत्म हो जाता है जब आपको थीम एक बढ़िया वाला मिल जाता है। हम लोग आगे कोर्स में इस थीम को भी अपलोड करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक मार्केट प्लेस बना सकते हैं। बट आपको इन सारे चीज़ों को ट्रेन करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो MSMEs हैं, जो SMBs हैं, जो माइक्रोप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, उनके पास मोस्टली इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो कभी भी इस टाइप का थीम आपसे प्रेफर नहीं करेंगे। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने क्लाइंट से डिटेल्स लेके उनके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं और उसी हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको किस टाइप का थीम चाहिए। अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली इस टाइप का थीम काफ़ी रेलिवेंट रहेगा, पर जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली जो MSMEs है वो प्रिफर करते हैं कि उनका साइट क्लीन दिखे और उनका जो प्रोडक्ट्स है वो भी उसमें फिट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये थीम ले लिया है और एक ही स्क्रीन में आपके 20 प्रोडक्ट है और वो ख़त्म हो गए। तो चूंकि मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स का, उसमें हम लोगों के पास लिमिटेड प्रोडक्ट है अराउंड 30-40, तो उसी हिसाब से मैंने एक थीम सेलेक्ट किया है। चलिए उसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं, और हमारा जो एंड टू एंड जो हमने कमिट किया है इस प्रोजेक्ट में, कि हम लोग एंड टू एंड देखेंगे कि कैसे स्टार्ट से फिनिश तक हम लोग सब कुछ उस वेबसाइट में उन फीचर्स को हम लोग इंस्क्राइब कर सके जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम लोगों को एक थीम की ज़रूरत है।
उस थीम को डाउनलोड करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ प्लगइन्स पे ऐड न्यू, और जैसे कि ग्राउंड हॉक में एस्त्रा थीम यूज़ किया था, मैं भी यहाँ पे एस्त्रा का ही थीम यूज़ कर लेता हूँ आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए। देखिए स्टार्टर टेम्पलेट्स, एलिमेंटोर, बीवर बिल्डर, गुटेनबर्ग ब्रिजी टेम्पलेट सब इसमें है। मैं क्लिक करता हूँ, जब भी दोस्तों आप थीम फॉरेस्ट में अपने थीम्स के बारे में आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा थीम यूज़ करना है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसमें फिल्टर लगा के रखिए। आपका जो थीम है वो कंपैटिबल होना चाहिए एलिमेंटोर के साथ, क्योंकि अगर एलिमेंटोर के साथ वो थीम कंपैटिबल रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी, तो आपका जो पेज बिल्डर है, जो वर्ल्ड का बेस्ट पेज बिल्डर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो एलिमेंटोर पेज बिल्डर है, तो आप उसको कस्टमाइज कर सके। तो वो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपको। आप ये जान के रखिए कि सारे जो थीम्स और प्लगइन्स हैं वो सब आपस में कंपैटिबल नहीं होता है, तो आपको जो भी फीचर सेट चाहिए आप अकेले थीम सेलेक्ट मत करिए, थीम के साथ साथ वो क्या क्या फीचर्स है उस थीम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़िए। वो फीचर्स के अलावा आपको अगर कुछ और फीचर्स चाहिए तो वो प्लगइन्स पहले से सर्च करके रखिए और मालूम करिए कि वो कंपैटिबल साथ में है कि नहीं है, फिर ही आप प्रोसीड करिए उन चीज़ों को बाई करने के लिए। यहाँ पे जो मैं एस्त्रा थीम यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक फ्री थीम है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में क्लिक करके वो थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंपैटिबिलिटी सर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राई फ्रूट्स का वेबसाइट मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ से जो भी टैग्स वगैरह है आप यहाँ पे उसको इंक्लूड कर दीजिए और साथ ही साथ फिल्टर भी सर्च कर दीजिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे एक टूर एंड ट्रेवल्स का वेबसाइट बनाना है तो टूर एंड ट्रेवल्स सर्च करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको इधर जाके यहाँ पे मेक श्योर करना है कि एलिमेंटोर पे क्लिक रहे। एलिमेंटोर पे क्लिक रहेगा तो आपका जो पेज बिल्डर है उसके साथ जो कंपैटिबल थीम्स है वही आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाया जाएगा। सो मेक श्योर करिए जब आप ड्राई फ्रूट्स का मैं देखूंगा या फिर मैं आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप सर्च करेंगे थीम्स को तो वो उन सारे प्लगइन्स के साथ कंपैटिबल रहना चाहिए जो आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए एलिमेंटोर और वूकॉमर्स हम लोगों को मैंडेटरी है उसके साथ कंपैटिबिलिटी, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एस्त्रा थीम सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को एस्त्रा बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है पेज बिल्डर का कि हम लोग कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड्स बेस्ट पेज बिल्डर है इस करेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एलिमेंटोर है, तो हम लोग एलिमेंटोर पे क्लिक करते हैं और उसी के हिसाब से जो डेमोज है और हमारा जो साइट के फाइल्स है वो हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने वेबसाइट पे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्टोर का है जो काफ़ी रेलिवेंट है मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के प्रोडक्ट के लिए, सिंपल भी है और फिट बैठ जाएगा। लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास, ये सारे कुछ ऑप्शंस है जो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं, क्लीन वेबसाइट है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है, एक अबाउट अस का पेज है इनके पास और गेट इन टच वगैरह का पेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली बना है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्ट का भी इन्होंने मेन्यू डाला हुआ है कि जब हमारे प्रोडक्ट्स ऐड होंगे कार्ट में तो वो नंबर यहाँ पे एक्सटेंड होता जाएगा। सो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये यूज़ करने के लिए हम लोग कम्प्लीट इम्पोर्ट कम्प्लीट सेट में क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, बहुत सारे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अभी चूंकि हम लोगों के पास प्रीवियसली कोई इम्पोर्टेड साइट नहीं है, हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और साथ ही साथ एस्त्रा को इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए जो सारे फंक्शंस चाहिए, जो सारे फीचर्स चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे टिक करके आ रहा है, हम लोग उसको वैसे ही रहने देते हैं और क्लिक करते हैं इम्पोर्ट पे। देखिए अभी जो हम लोग एस्त्रा थीम इंस्टॉल करेंगे उसके साथ साथ वूकॉमर्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कभी कोई आप ऐसा एक थीम इंस्टॉल करते हैं जिसमें वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं होता है, मोस्टली अगर आप
थर्ड पार्टी वेबसाइट से खरीदेंगे, मार्केट प्लेस से खरीदेंगे, तो उसमें सिर्फ थीम के फाइल्स आते हैं, उनको आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। आपका WooCommerce बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होगा, उस केस में आप प्लगइन्स में जाके एड न्यू करके आप WooCommerce सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कई कई सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो Astra थीम यूज़ करेगा, जो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा हमारे लिए, तो हमको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्टेंट वगैरह अभी देखिए यहाँ पे फुल हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कि हम लोग इसको कस्टमाइज किस तरीके से करेंगे और आगे के लेसन में हम लोग कौन कौन सी वो एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा वेबसाइट है इम्पोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू साइट, परफेक्ट। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है, हम लोगों का प्रोडक्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जो बाय डिफॉल्ट जो डेमो प्रोडक्ट्स थे वेबसाइट में आ चुके हैं। डेमो प्रोडक्ट्स के बाय डिफॉल्ट अपलोड होने का बेनिफिट ये है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा लगेगा। सो चूंकि हमारा ड्राई फ्रूट्स का था तो काफ़ी देखिए यहाँ पे मैचिंग है, हम लोगों के ऑलमोस्ट मीट कर जाएगा हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है। प्रोडक्ट पेज भी काफ़ी क्लीन है, ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है तो हमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो मेन पर्पस है एंड टू एंड वेबसाइट को फंक्शन कराने का, वो इस पर्पस में मीट कर जाएगा। बाकी जो डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट है वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप साथ साथ में पेज बिल्डर को यूज़ करके डिज़ाइनिंग आप सीखते रहेंगे ऑन द वे। ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट पेज भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जूम फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऐसा थीम में आता है। ऐड टू कार्ट हम लोग कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट क्लिक किया मैंने, देखिए व्यू कार्ट में ऐड हो गया है। कूपन वगैरह आप अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करके अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट बढ़ाना है घटाना है अपडेट करेंगे उसी हिसाब से आपका प्राइसिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। करेंसी यहाँ पे अभी GBP दिखा रहे हैं, हम लोग ये सबको अभी ऑल्टर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का अभी थीम जो है वो अपडेट हो चुका है, तो ये लेसन हम लोगों का यहीं पे एंड होता है।